नथ जेवर या जंजीर। जी हाँ, द ओनली रीजन वी आर गेटिंग सो ड्रामेटिक इज क्योंकि हम बात करने वाले हैं सीरियल नथ जेवर या जंजीर की, और क्योंकि आज मैंने नथ पहनी है तो वाई नॉट शो इट ऑफ। वेल, कहानी यहाँ पर नई हो गई है, दो बहनों की कहानी हो गई है, और अभी तो इन दोनों बहनों के बीच में बड़ी गहरी दोस्ती है। पर प्रॉब्लम तो यही है ना कि कहानी शुरू इसी मूड पर होती है और आगे जाते जाते बहनें न जाने क्यों सीरियल की दुनिया में सौतन बन जाती हैं। दो ऐसी बहनें, एक का नाम है गौरी तो दूजी का नाम है कृष्णा। ये बहनें एक दूसरे से इतना प्यार करती हैं कि इनके बीच ही कभी कोई तीसरा नहीं आ सकता है। फिलहाल कहानी तो अभी कुछ ऐसी ही चल रही है। कृष्णा और गौरी तैयार हुई हैं जीत के भाई की सगाई में जाने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि गौरी एकदम से टिप टॉप में रहती है, कृष्णा से वो ज्यादा फॉरवर्ड है, इसीलिए तो जब वो सगाई के फंक्शन में आई है तब देखिए उसने जो डांस किया ना, उस डांस से उसने सबका मन जीत लिया। अब यहाँ पर इस सबका मन जीत लिया से हमारा मतलब है कि उसका हीरो जीत है, जो उसके सामने खड़े होकर उसके डांस में कुछ इस कदर खो गया है कि उसे और कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। फिलहाल गौरी भी जीत को पसंद करती है, तभी तो वो आज इतनी खुश नजर आ रही है जब जब उसकी नजरें जीत से मिल रही है। पहली बार जो जीत और गौरी है वो एक अलग अंदाज से एक दूसरे के सामने आए हैं, सिर्फ इशारों में बातें नहीं हुई हैं, कहीं और भी पहुंची है, लेकिन कहां तक, क्या, कैसे, वो सब आपको एपिसोड में देखना पड़ेगा। और बहुत सारे और भी हाई ड्रामास हैं जो कि आ रहे हैं हमारी स्टोरी में, तो देखते रहिए नथ, कृष्णा और गौरी की कहानी, ओनली ऑन दंगल। लव यू ऑल। वही कृष्णा है, सीधी सादी है, भोली भाली है, लेकिन सब समझती है उसका भोलापन है, कहीं उसे भारी न पड़ जाए। सगाई जो है वो हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, अब कृष्णा भी जा रही है, कृष्णा जा रही है अगर, तो कुछ तो अलग होगा, कहानी में ट्विस्ट आएगा। सो जब आप लोग एपिसोड देखेंगे तब आपको पता चलेगा, और वो मैं आपका एक्साइटमेंट ख़त्म नहीं करना चाहती यहाँ बता के। सो कीप वॉचिंग नथ। जैसा कि कहानियों में होता है, दो बहनों के बीच तीसरा जब आता है तभी तो वो दुश्मन बन जाती है, तो क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही कहानी राइटर ने लिखी है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।